गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पूजा चल रही साइकिल लेके चलाने के लिए। इसका चेस्ट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था इसी के वजह से, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रही है। और यहाँ का जो ये रोड जो होता है वो बहुत बिजी होता है, मतलब कि चलाने का कोई मायने ही नहीं है इन लोगों को कि कैसे चलाना है। बहुत स्पीड चलाते हैं गली में, लेकिन फिर भी ये नहीं मानती है। देखिए इतना यहाँ बोल रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन चल दी। तो चलिए गाइस, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय दिव्या लिविंग टुडे ब्लॉग में। मैं हूँ दिव्या। और ये देखिए आज का है, जो कि आज महाशिवरात्रि है। कल प्रदोष था और आज महाशिवरात्रि है, तो मैं मंदिर गई हुई थी सुबह में। आज ज़्यादा मतलब जगना पड़ा। मंगलवार का मंगलवार भी है, जो कि मैं फास्टिंग रखती हूँ, और शिवरात्रि भी है। तो ये देखिए धतूरा और ये फूल जो है ख़रीद रही हूँ। पहले से ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं था मेरे पास, तो ख़रीद रही हूँ। और ये जो बनाया है, ये पूजा बनाई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हिल डोल कर रहा है कैमरा, स्लोली नहीं बनाई हुई है। और ये देखिए बच्चा आया हुआ है, जो कि मेरे मोहल्ला का है, रो रहा है अपने मम्मी पापा के साथ। ये भी आया है, ये पापा है उसका। और ये देखिए पूजा बच्चा को देख के कैमरा इसी की तरफ कर दी। और देखिए ये पापा हैं। और महादेव की दर्शन कीजिए आप लोग भी, महादेव का कृपा हम सब पे बनी रहे। देखिए अगर आप लोग मेरे नया नया वीडियो और ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। और महादेव जी की कृपा से आप लोग पे हमेशा सदैव बनी रहे आशीर्वाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अगर भोलेनाथ से आप लोग सबको प्यार है तो। और वैसे भी महादेव तो महादेव होते हैं, इनकी कृपा हम लोगों पे, हम लोग लाइक करें या ना करें, हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉग तो ज़रूर कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए जा रही हूँ, ये है चमेली का तेल, जो कि आप लोग सभी भक्तजन लगा सकते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत ही प्रिय है इनको। अगर शनिवार और मंगलवार को लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा परिणाम मिलता है। इतना भीड़ था कि मतलब पूजा करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। देख रहे हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, आने जाने में ही बहुत दिक्कत हो रहा था। ऐसे तो खाली रहता है, पर महाशिवरात्रि या देवी देवता के जो भी पर्व आते हैं उसमें थोड़ा भीड़ तो ज़्यादा रहता ही है। और महादेव का ये मटका है, जो कि इसमें पानी डाला हुआ है। आप सबको तो जानकारी होगा कि गर्मी के दिन में जैसे हम लोग को प्यास लगता है तो उस पानी का प्रबंध रहता है, उसी तरह महादेव का ये जो है मटका, उसमें यहाँ के लोग पानी डालते रहते हैं और कोई भी डाल सकता है। तो वहीं हम पूछ रहे थे कि मैं डाल दूँ क्या, डाल सकते हैं सब कोई। तो बोले यहाँ के लोग बोले कि हाँ,
क्योंकि इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं था। और देखिए यहाँ मेरी पूजा हो रही है, गणेश जी है, ये माँ पार्वती है। यहाँ पे दो तीन मंदिर है पर ये मेरे लिए नज़दीक था। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत ही सांस फूल रही है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत आजकल ख़राब हो रहा है। और जाना है इसके बाद, आज तो नहीं जाऊंगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे को दिखाने के लिए। पहले तो कोई कोई बताया कि पतंजलि का दवा चलाइए, तो वहीं पहले ला कर ट्राई करूँगी, अगर ठीक हो जाए। फैटी लीवर है मेरे को, एक बार दिखा चुकी थी तो लगता है कि वही चीज़ हो गया है फिर से, क्योंकि खान पान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो यही हो जा रहा है। और ये महादेव जी को आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। क्या क्या परहेज किया जाए, बहुत कुछ परहेज करना पड़ता है। मान लीजिए तला भुना नहीं खाना है, ये तो बनता है, बहुत कम ही बनता है, संडे के संडे थोड़ा मोड़ा बन जाता है, लेकिन फिर भी आजकल का जो खान पान का है ना, वो इतना केमिकल डाल रहे हैं हर चीज़ में ना, इस वजह से जो साधारण से रह रहे हैं इंसान, उनको भी बहुत सारे रोग हो जा रहे हैं। अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं स्कूल जा सकूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था स्कूल जाने के लिए। 7:30 में स्कूल लग जाती है मेरी। तो देखिए मेरे साथ मेरी बेटी आई थी पूजा, और वो ड्रेस उसको तो रेडी हो गई थी वो। और देखिए मैं पहुँच गई स्कूल, वो ब्लॉग में नहीं दिखा पाई आपको, पर ये देखिए पेंटिंग आज हुआ है इन लोग का। और बहुत एक से एक, जितने हैं उतने में बनाया है, जितना एज है उससे बहुत ही अच्छा बनाया है। ये जूनियर क्लास के बच्चे हैं। आज टीचर नहीं आई थी, इस वजह से मुझे इस क्लास में पढ़ाना पड़ा। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाए हैं। और ये कौन बनाए हैं? अनन्या बनाई है। और ये है मेरी क्लास की ही लड़की है, कोई मैंगो बनाया है और दिखा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मैम बताइए ना किसका अच्छा है, किसका अच्छा है। तो मान लीजिए किसका किसका आप दिल तोड़िएगा, सब बच्चे से बोलना पड़ता है। अच्छा वाकई में बहुत अच्छा था सबका, बहुत बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को मैं अपना स्कूल का जो भी फंक्शन हो, जो भी हो, आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके अच्छा से अच्छा मैं बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो। और अभी मैं देखिए स्कूल का है, अभी पोयम हो रहा है बच्चों का।